हेलो फ्रेंड्स, मैं मंदीप स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में फ्रिल ब्लाउज़ का डिज़ाइन आपके साथ शेयर करूँगी। मैन फैब्रिक है और ये अस्तर का कपड़ा है। तो 38 साइज़ का मैं यहाँ पर बैक नेक कट कर रही हूँ, बैक पार्ट। आप अपने साइज़ के अकॉर्डिंग मेजरमेंट लीजिएगा। टोटल लेंथ मैं रख रही हूँ यहाँ पर 14.5 इंच। 13.5 इंच मुझे तैयार रखनी है लेंथ। मेज़रमेंट आप जो स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, यही मेज़रमेंट मैं यहाँ पर ले रही हूँ। आप अपने साइज़ के अकॉर्डिंग मेज़रमेंट लेकर इस डिज़ाइन को बनाइएगा। और 38 साइज़ में डीप नेक के अकॉर्डिंग शोल्डर रखे हैं 5.5 इंच। आर्म होल्स लिए हैं 4.25 इंच। इस तरीके से हमने आर्म होल की लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर ली है। चेस्ट का 4th पार्ट हमें लेना है यहाँ से, जो लेंगे हम 9.5 इंच। 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन का ले लेंगे और इस तरीके से यहाँ पर हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे। 1/2 इंच हम बाहर की तरफ करते हुए मार्क करेंगे इस तरीके से, और तिरछी लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर लेंगे। आर्म होल की गोलाई यहाँ पर कर देनी है हमें। कमर का मेज़रमेंट लेंगे, कमर है 32 इंच, उसका 4th पार्ट होगा 8 इंच। 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन और 1 इंच एक्स्ट्रा हम और लेते हैं बैक पार्ट की प्लेट्स के लिए। तो हमने यहाँ पर मार्किंग कर ली है, इसके बाद हमने कट कर लेना है इसे। ये देखिए, इस तरीके से कटिंग कर लेंगे। बैक पार्ट हमारा अस्तर पे कटिंग हो चुका है, अब हम इसे मैन फैब्रिक पर रखकर भी कट कर लेंगे। मैन फैब्रिक पर मैंने कट कर लिया है। गले के लिए मेज़रमेंट लेंगे, तो गले की जो चौड़ाई है वो मैंने 2.5 इंच ली है। लेंथ ली है 10.5 इंच और नीचे से नेक की विड्थ रखी है 3.5 इंच। आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और अब हमें यहाँ पर मटका शेप ड्रॉ करना है। डीप में पॉट शेप हमने यहाँ पर ड्रॉ कर लिया है। अच्छी फिनिशिंग के लिए हम पेपर पेस्टिंग का यूज़ करेंगे। पेपर पेस्टिंग को डबल फोल्ड करके लिया है। बंद भाग से गले की विड्थ नाप लेंगे 2.5 इंच और नेक की लेंथ ले लेंगे 10.5 इंच। नीचे से विड्थ ली है 3.5 इंच। पहले हम इस तरीके से एक बॉक्स बना लेंगे, उसके बाद हम यहाँ पर शेप को ड्रॉ कर लेंगे। तो हल्के हल्के हाथों से यहाँ पर हम पॉट शेप ड्रॉ कर लेंगे। साइड से 1 इंच हम एक्स्ट्रा लेते हुए मार्क कर लेंगे इस तरीके से। 1/2 इंच गले की चौड़ाई का हमें छोड़ देना है और इस तरीके से हम पिन लगा लेंगे। इसके बाद नेक को हमें कट कर लेना है और ये पेपर पेस्टिंग को हम अस्तर वाला जो कपड़ा है उसके ऊपर रख कर अटैच कर लेंगे। इस तरीके से मैंने पिन लगा ली है। अब हमें मैन फैब्रिक और अस्तर के कपड़े को अच्छे से जॉइंट कर लेना है यहाँ पर। तो ये हमारा पार्ट है और इसे हम अच्छे से फिनिशिंग के साथ यहाँ पर अस्तर के साथ इसे अटैच कर लेंगे मैन फैब्रिक को। आप इस तरीके से हाथ से फिनिशिंग करते जाएं ताकि अंदर की तरफ कोई भी सेल या क्रिस बिल्कुल भी ना आए। इस तरीके से देखिए, हमें यहाँ पर इसे जॉइंट कर लेना है और इसके बाद हम एक्स्ट्रा कपड़े को कट करके निकाल देंगे। इस तरीके से हमें एक्स्ट्रा फैब्रिक निकाल देना है और आप हमेशा मेन फैब्रिक को साइड से थोड़ा बढ़ाकर ही कट करें ताकि जोड़ने में हमें कोई भी इसमें प्रॉब्लम ना आए। अच्छे से फिनिशिंग के साथ ये जॉइंट हो जाए। अब हमने इसे डबल फोल्ड कर लेना है। कपड़े को हम डबल फोल्ड कर लेंगे और ऊपर और नीचे की तरफ हम कट लगाएंगे और इस तरीके से हम सेंटर मार्किंग करेंगे। तो देखिए, ये जो डिज़ाइन है वो आजकल बहुत ही ज़्यादा चल रहा है फ्रिल वाला, और बनाने में भी बहुत ही इजी है। आप इसे बहुत ही आसान तरीके से और कम समय में बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने फ्रिल के लिए देखिए सेम कलर ही यूज़ किया है, आप चाहें तो कॉन्ट्रास्ट कलर भी ले सकते हैं। तो देखिए, मैंने यहाँ पर ये जो पेपर पेस्टिंग है इसे आप प्रेस से चिपका भी सकते हैं, और चाहे तो इस तरीके से जैसे मैंने सिलाई लगाकर इसे अटैच किया है, इस तरीके से आप इसे अटैच भी कर सकते हैं। तो मैंने कॉर्नर की सिलाई लगाकर इसे अटैच किया, उसके बाद इसका एक्स्ट्रा कपड़ा कट किया साइड से और एक तरफ से हमने इसे फोल्ड कर लेना है। ये देखिए, इस तरीके से हमने फोल्ड कर लिया है। अब हम नेक को भी करेंगे डबल फोल्ड और अच्छे से हम इसका सेंटर मार्किंग यहाँ पर कर लेंगे। ये देखिए, सेंटर मार्किंग मैंने कर लिया है और अब हमने क्या करना है, इसे अटैच करना है। तो यहाँ पर हम सेंटर मार्किंग से सेंटर मार्किंग मिलाते हुए, और यहाँ पर आप चाहें तो एक रफ़ी स्टिच लगा सकते हैं या फिर आप इस तरीके से पिन लगा सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर पिन से इसे अटैच कर दिया है। नेक हमारा बिल्कुल सेंटर में ही अटैच होना चाहिए। इसके बाद हमने जो पॉट शेप ड्रॉ किया है उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर सिलाई लगा कर इसे अटैच कर देंगे। ये देखिए, मैंने सिलाई लगा कर इसे अटैच कर दिया है। इसके बाद हमने इसे कट कर देना है। तो इस तरीके से हमें सिर्फ एक पैर का मार्जिन जितना ही कपड़ा रखना है, बाकी सारा फैब्रिक हम कट करके निकाल देंगे और पूरे ही गले पर आपको छोटे छोटे कट लगा देने हैं। इस तरीके से कट लगाने से हमारा जो कपड़ा है वो नेक जो है वो बहुत ही अच्छी तरीके से फोल्ड हो जाता है। आप देख सकते हैं, बहुत ही सुंदर यहाँ पर हमारा पॉट शेप बन गया है।
ये देखिए बहुत ही फिनिशिंग के साथ ये बन गया है। अब आप चाहें तो ऊपर फिनिशिंग की यहाँ पर सिलाई लगा सकते हैं कॉर्नर की, या फिर आप एक पैर का मार्जिन रखते हुए सिलाई लगाकर इसे कंप्लीट कर लेंगे। हम पहले हम बैक पार्ट को पूरा कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद हम फ्रिल लगाएंगे यहाँ पर। ये देखिए अब हमने यहाँ पर प्लेट्स डाल लेनी है। तो सेंटर में जो नीचे की तरफ कट लगाया था वहाँ से एक तरफ से कपड़े को फोल्ड करेंगे और इस तरीके से देखिए हम यहाँ पर प्लेट्स डाल लेंगे। प्लेट्स हमने डाल ली है और नीचे की तरफ अब हम कमर पट्टी लगा लेंगे। कमर पट्टी हमने लगा ली है और यहाँ पर पट्टी को इस तरफ करते हुए एक सिलाई और लगा लेंगे हम। ये सिलाई हमने पट्टी के ऊपर लगाई है, अब हमें इसे अंदर की तरफ फोल्ड कर देना है। ये देखिए इस तरीके से फोल्ड करने के बाद देखिए हमें क्या करना है, यहाँ पर फ्रिल तैयार करनी है। तो जो पट्टी मैंने तैयार की है वो है 3.5 इंच चौड़ाई में और इसकी जो लंबाई है वो 2.5 इंच है। विड्थ में है ये 3.5 इंच और लेंथ में मैंने पट्टी को लिया है यहाँ पर 2.5 मीटर लिया है। कम से कम आप 2.5 मीटर लीजिएगा क्योंकि फ्रिल डालने के बाद हमारी पट्टी बहुत ही छोटी रह जाती है। सिलाई लगाकर मैंने इसे कंप्लीट कर लिया है और इसके बाद हमने इसे पलट लेना है। तो सुई धागे की मदद से आप पट्टी को पलट करके सीधा कर लें और इस तरीके से हमारी पट्टी सीधी हो जाएगी। इसके बाद देखिए मैं इस पर प्रेस लगा दूंगी। तो इसका जो जॉइंट था वो मैंने बिल्कुल सेंटर में कर दिया है ताकि हमारी जो फ्रिल है वो बहुत ही फिनिशिंग के साथ बने। तो इस पर आप एक प्रेस कर लेंगे हल्की सी और जो इसका जॉइंट होता है उसे सेंटर में कर लीजिएगा। अब बिल्कुल सेंटर से हमें सिलाई लगानी है फ्रिल के फ्रिल बनाते हुए। तो यहाँ पर इस तरीके से आपको पट्टी के ऊपर फ्रिल डालते जाना है और सिलाई लगाते जाना है। सिलाई हमारी बिल्कुल सेंटर में आनी चाहिए। पूरी पट्टी पे आपको फ्रिल इसी तरीके से डाल करके कंप्लीट कर लेना है। देखिए फ्रिल मैंने कंप्लीट कर ली है और इसके बिल्कुल बीचों बीच सेंटर में मैं यहाँ पर ये लेस का यूज़ कर रही हूँ। मैं यहाँ पर सेम कलर का लेस का यूज़ कर रही हूँ, आप चाहें तो कॉन्ट्रास्ट में कीजिएगा, बहुत ही अच्छा लुक आएगा। और अगर आपके पास सेम कलर का फैब्रिक नहीं होता है आपके ब्लाउज़ में तो यहाँ पर आप कॉन्ट्रास्ट कलर की फ्रिल भी यूज़ कर सकते हैं। फ्रिल के लिए आप दूसरा कलर का कपड़ा ले सकते हैं अपने साड़ी या ब्लाउज़ के कलर कॉम्बिनेशन में, तो वो भी बहुत ही अच्छा लगेगा। फ्रिल मैंने तैयार कर ली है और ये डोरी है मेरे पास। एक छोटी डोरी मैं नीचे की तरफ लगाऊंगी और एक बड़ी डोरी मैं ऊपर की तरफ लगाऊंगी। तो अब हमने यहाँ पर पहले तो फ्रिल को अटैच कर लेना है। ये देखिए नेक के ऊपर फ्रिल आपकी बहुत ही ईजीली यहाँ पर अटैच हो जाएगी, ढीला छोड़ते हुए अटैच कीजिएगा। और बिल्कुल हमारे नेक के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर फ्रिल को लगा लिया है। एक्स्ट्रा फ्रिल को आप कट कर दीजिए इस तरीके से। और ये जो सेंटर पॉइंट मैंने लगाया है यहाँ पर मैं इस तरीके से ये डोरी अटैच करूँगी। तो आप चाहें तो इसके ऊपर कोई फ्लावर बनाकर भी लगा सकते हैं या फिर कोई भी कुंदन या बटन आप इसके ऊपर अटैच कर दीजिएगा, वो भी बहुत अच्छा लगेगा। तो मैंने यहाँ पर इसे इस तरीके से लुक देते हुए डोरी को अटैच कर दिया है और एक डोरी हम ऊपर की तरफ अटैच कर लेंगे। तो यहाँ से मैं मार्किंग कर रही हूँ 2.5 इंच पर, 2 से 2.5 इंच पर आप मार्किंग यहाँ पर कर लें और डोरी को अटैच कर लें। ये देखिए इस तरीके से आप इसे फ्रिल के नीचे से लगाइएगा डोरी, फ्रिल के ऊपर ना लगाएं। इस तरीके से दोनों तरफ हमने डोरी बना ली है और ये डिज़ाइन हमारा बन करके कंप्लीट हो गया है। तो फ्रेंड्स आपको आज का मेरा ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।